हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने की सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत। तो सहारा में जिन साथियों का पैसा जमा था आज कई सालों से, 5-6 सालों से और कई साल हो गए जमा हुए, लेकिन उनको पैसे का अपना इंतज़ार था, तो वो समय अब आ चुका है कि आपको पैसा मिल जाएगा। 1.5 माह के भीतर आपको 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है पोर्टल की, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। आपको इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले स्टेप पूरा देख लीजिए। जमाकर्ता की पंजीकरण पर क्लिक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके, फिर आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा और मोबाइल पर आया OTP फिर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, फिर से आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP डालें, शर्तों पर सहमत हूँ क्लिक करें। उसके बाद में आपको इधर और चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद में सरकारी अधिकारी कार्रवाई करेंगे यहाँ। अब उसके बाद में आपको पैसा वो रिफंड हो जाएगा। लखनऊ में सहारा की 12 करोड़ रुपए की देनदारी। तो आगे बढ़ते हैं, और मुख्यमंत्री ने 9 चयनित 1573 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जो है पत्र, नियुक्ति पत्र दिया। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, PGET में 24 जुलाई से खुलेगी दाखिले की खिड़की। आगे बढ़ते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में 80 विषयों की संबद्धता की गई रद्द, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, होम्योपैथ में प्रवक्ता भर्ती का परिणाम हुआ जारी, और राज्य विश्वविद्यालय 4 कॉलेजों के 12 पाठ्यक्रम हुए बंद। आगे बढ़ते हैं, सहारा के 1.7 करोड़ के करीब लगभग जमाकर्ताओं को 45 दिन के भीतर मिलेगी राशि। पोर्टल हो गया है शुरू, अब 10,000 तक होगा भुगतान। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी है। आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग में शामिल हुए 139 अभ्यर्थी। शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक TET 2021 के विज्ञान, संस्कृत और उर्दू में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए मंगलवार को काउंसलिंग हुई। आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग में शामिल हुए 139 यही है, और KP ट्रेनिंग कॉलेज में BEd प्रवेश के लिए कटाफ जारी कर दिया गया है। BEd प्रवेश कटाफ जारी हो गया है, यहाँ वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जाके। तो अब और EWS रेडी की 130 से अधिक अंक प्राप्त वाले को 27 जुलाई, विज्ञान वर्ग 110 अधिक हो सकता है, और खाली रह गए पदों के लिए शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। TGT PGT जो 21 की थी उसमें जो है खाली रहे पदों की हुई काउंसलिंग। अभ्यर्थी ने जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग और भर्ती। 16,000 और PGT की 2,500 से ज़्यादा रिक्त पद होने की बात बयान में कही है, ऐसे में इन पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। उन्होंने आयोग गठन जल्द पूरा करने और शिक्षा भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग की। विंडीज टीम में रिफर की जगह सिक्लेयर शामिल, और इंग्लैंड करो या मरो का मुकाबला खेलने उतरेगा। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड बुक, चलिए वो क्रिकेट की खबरें थी, और AKTU में PG के लिए आवेदन 31 जुलाई तक होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए AKTU, और शोध नहीं करा सकेंगे 59 से ज़्यादा आयु के शिक्षक। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और सहारा से अपडेट मैं और उसका लिंक इस कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और मैं इसका वीडियो एक बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।